बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ का मैथ। आपकी आज एक्सरसाइज चलेगी लघुत्तम समापवर्तीय चैप्टर 9। देखिए, कल हमने पढ़ा था महत्तम समापवर्तीय, आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तीय। तो देखिए, क्वेश्चन करेंगे और सही से समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लहसा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होती है, देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि वो इस तरह होती है, जब आपको संख्या दी गई है तो उन सबको अलग अलग करके ही गुणनखंड करना होता है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए, गुणनखंड कैसे करते हैं, कल हमने मैथ्स में आपको बताया था, आज एक बार फिर से करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, 10 और 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लहसा पर निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तीय। तो देखिए, 10 और 12 का गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, पहले 10 का निकालेंगे। तो देखिए, 10 किसकी टेबल में आता है, सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा है जिसमें 10 आए, वो है 2, 2 पंजे 10। अब 5 किससे कटेगा, 5 से ही, तो 5। अब करेंगे 12, 12 किसके पहाड़े में आता है, 2, सबसे छोटा पहाड़ा 2, 2 छक्का 12। 6 2 के में ही आता है, 2 तिया 6। और 3 किसके में आता है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 अपने में ही आएगा, 3 एकम 3। तो देखिए, अब इनमें से ये देखना है इन दोनों में कि कौन सी चीज़ सेम आई है। देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को हम क्या लिखेंगे, एक बार, तो 2 को एक बार लिखेंगे, फिर गुणा कर निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं अब क्या बचता है, 3, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे एक 2 है, वो एक्स्ट्रा 2 नहीं है, तो उस 2 को भी लिख लेंगे, उस 3 को भी लिखेंगे जो बचा है, और 5 को भी लिखेंगे। ठीक है, जिसका जोड़ा बन जाए उसको जोड़े से 1 लिखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको भी लिखेंगे। तो अब उनकी गुणा करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, तो आंसर क्या आया, 60। ठीक है, यह आया आपका लहसा। इसी तरह से आपको गुणनखंड करके, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ये सारे क्वेश्चन निकाल लें। समझ में आया, अब लिखेंगे भाग विधि। कल भी हमने भाग विधि भी पढ़ी थी, आज भी हम भाग विधि पढ़ेंगे। तो देखिए, भाग विधि से निकालेंगे, निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि द्वारा लहसा पर ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 30 और 40, तो भाग विधि का, भाग विधि कैसे करते हैं, देखिए, जो मैसेज पे हमें की थी वो भाग विधि हमने डिवाइड करके की थी, लेकिन इसमें कैसे करते हैं, देखिए, 30 और 40 हमें संख्या दी है, इनका भाग विधि से लहसा पर निकालना है। तो देखिए, इनकी भाग विधि होती है कि 30 और 40 को एक साथ ही काटना होगा, एक साथ ही गुणनखंड करने होंगे इसके। यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि में अलग अलग किया था, भाग विधि में एक साथ करते हैं, एक साथ रख के। तो देखिए, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, यानी 2 से, 2 एक कम 30 को भाग दीजिए 2 से, 2 एक कम 2, कितना बचा, 1, 0 उतारेंगे, 2 पंजे 10, कुछ नहीं, तो कितना आया, 15। 40 को करेंगे 2 से, 2 दुनी 4, क्या बचा, 0, 0, ठीक है, ना जाने के लिए 0, तो कितना आया, 20। अब ऐसे ही जो 2 से डिवाइड हो जाए तो 2 से करेंगे, जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे, तो 2 से करेंगे, 15 नहीं जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, लेकिन 20 चला जाएगा, 2 धाम 20। अभी 10 चला जाएगा 2 से, 15 ऐसे ही आएगा, 2 पंजे 10। अब ना 5 जाएगा और ना 10 जाएगा, तो क्या किस में आते हैं, दोनों 5 में आते हैं, तो 5 से करेंगे, 5 तीन 15, 5 एकम 5। अब 1 हो गया लेकिन 3 रह गया, तो 3 को डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। अब देखिए, इसमें दोनों साथ निकाले हैं तो इसमें जोड़े नहीं बनाएंगे, इसमें जो नंबर आया है हमारा उसको डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3,
तीन बार दो है, पाँच गुणा तीन, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, दो दूनी चार, दूनी आठ, पंजे चालीस, चालीस और चालीस तियाँ एक सौ बीस, चार तियाँ बारह और जीरो एक सौ बीस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये कौन सी विधि थी? ये थी हमारी भाग विधि लैसा पै के लिए, और ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और, शाब्दिक तीसरे में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो चौवन, साठ तथा नब्बे से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो आपको तीन नंबर दिए हैं, विभाजित होती है यानी कट जाती है, तो कौन कौन सी संख्या दी है आपको? चौवन, साठ और नब्बे। तो इसे करेंगे, देखिए भाग विधि से, दो दूनी चार एक बचेगा, दो सत्ते चौदह, दो तीन छः जीरो, दो चौक आठ एक बचेगा, दो पंजे दस। अब ये दो से जाएगा, सत्ताईस नहीं जाएगा, तीस जाएगा, दो एकम दो, दो पंजे दस, पैंतालीस भी नहीं जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये किससे जाएंगे? सब अभाज्य संख्या है, लेकिन तीन से चली जाएंगी, तीन नम सत्ताईस, तीन पंजे पंद्रह, तीन एकम तीन, एक बचेगा, तीन पंजे पंद्रह, अभी भी तीन से चली जाएंगी ये। देखिए तीन तिया नौ, पाँच नहीं जाएगा, ऐसे ही आएगा, तीन पंजे पंद्रह। अब यहाँ तीन जाएगा, तीन एकम तीन, लेकिन पाँच नहीं जाएंगे, पाँच जाएंगे पाँच से, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच। अब देखिए इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया हमारे पास? दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा पाँच। एक बार चेक कर लेते हैं, दो गुणा दो गुणा तीन, तीन तीन पाँच, तीन तीन बार है, तीन गुणा पाँच। तो गुणा करेंगे, दो दूनी चार, चार तियाँ बारह, बारह तियाँ छत्तीस, और छत्तीस तियाँ एक सौ आठ, और एक सौ आठ पंजे कितना? पाँच सौ चालीस। इसको आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ठीक है। आंसर क्या आया? पाँच सौ चालीस। तो छोटी वह संख्या कौन सी है? पाँच सौ चालीस, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ, आपको इसी तरह से करने हैं। थैंक यू।